हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। अभी मैं आई हुई हूँ वृंदावन मथुरा घूमने के लिए, और फ़िलहाल अभी मैं गोकुल में हूँ और गोकुल के रमन रेती आश्रम में आई हुई हूँ। यहाँ संध्या आरती होती है, अब शुरू होने वाली है थोड़ी ही देर में। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पंडित जी जब आरती कर रहे होते हैं तो उस टाइम हाथी को लाया जाता है। हाथी जब तक आरती चलती रहती है और घंटी बजाता रहता है हाथी। अभी देखिए आरती। हाथी से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन हम तो नहीं गए क्योंकि बहुत डर लग रहा था और युवान बार बार भाग के चला जा रहा था और अब बोल रहे थे कि जल्दी से आ जाओ, डर लग रहा था और फिर भी बहुत कोई जा रहा था। और गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आया करते थे। और आप देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ पे लेट रहे हैं, और लेटने के बाद जो भी रेत ड्रेस में लग जा रहा था, लोग झाड़ नहीं रहे थे, उसको निकाल नहीं रहे थे।
और हम लोग तो लेटे नहीं, लेकिन वहाँ का पिक्चर ले लिए। रमन रेती से निकलते ही जस्ट सामने में एक जू है जहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं, देखिए गाइस इसमें। और ये अभी लगभग रात के 8-9 बजे का है, इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और ये जब और ये वाला जब हम लोग आरती के लिए जा ही रहे थे, 5-6 बजे के टाइम का है उस टाइम, देखिए लाइट भी है, इसमें कितने सारे हिरन हैं अंदर बैठे हुए। स्पेस भी बहुत बड़ा सा है पार्क का। ये भी है कुछ पता नहीं, और ये तो बहुत सारा है हिरन, और सारा हिरन कैसे झुंड बना के देखिए बैठा हुआ है, लग रहा है अभी सबके रेस्ट करने का टाइम है, कोई इधर उधर जा नहीं रहा है। जू के बाहर 10 रुपया या 20 रुपया में कटोरी में यहाँ पे दाना मिल रहा है हिरन को खिलाने के लिए, जिसको चाहिए था वो ले रहे थे। मम्मी ने तो बस एप्पल खिलाया, वो खा लिया। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि ब्रेड, डबल रोटी, बिस्किट, कच्चा आटा, मैदा से बना कोई भी पदार्थ इसको नहीं दे सकते हैं।